आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई जो है कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सिलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे आना है इस तरीके से, ठीक है ना। नीचे आएंगे तो नीचे की साइड आपको यहाँ पर एक ये ऑप्शन मिल जाता है देखने को, ये मेटा सर्विस का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर भी आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो भी डेटा है ना, उसका मोबाइल फोन में बैकअप ले लीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।